सर ड्रीम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं यतिन आज इस वीडियो में आपको 7 मूवीज के बारे में बताऊंगा जो कि मेरी इंस्पिरेशनल मूवी है, जो मेरे लिस्ट में टॉप 7 में है। तो आइए शुरू करते हैं इन मूवी के बारे में। सबसे पहली मूवी जो मुझे बहुत पसंद है वो है रंग दे बसंती। इस मूवी को डायरेक्ट राकेश ओम प्रकाश मेहता जी ने 2006 में किया था। इस मूवी को फिल्म फेयर में कई सारे अवार्ड मिले हैं और IMDb में इसकी रैंकिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। आपको पता है ये मूवी ने 920 मिलियन रुपीज अर्न किया था वर्ल्ड वाइड। तो आइए इस मूवी में जानते हैं इस मूवी की खास बात क्या है। इस मूवी की कहानी शुरू होती है सू नामक एक किरदार की, जो कि फॉरेन से इंडिया में आती है फ्रीडम फाइटर के ऊपर मूवी बनाने के लिए, और उनकी वहां मुलाकात होती है आमिर खान के साथियों के साथ में। ये लोग ग्रेजुएशन के बाद में भी उसी कॉलेज में रहते हैं, उस कॉलेज में घूमने के लिए आते हैं, और वहां से सू के साथ मिलने के बाद में इस कहानी में इस मूवी में एक अलग रोल आता है, एक अलग चीजें आती है और वो इन यूथ की लाइफ को बदल के रख देती है। मस्ट वॉच मूवी है, आप इसको जरूर देखिएगा और आपको रिव्यू बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी मूवी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है भाग मिल्खा भाग। ये हमारे रेसर के ऊपर मूवी है मिल्खा सिंह, जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। इस मूवी को डायरेक्ट राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने किया था। इसका ईयर 2013 में ये मूवी डायरेक्ट की थी। इस मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। IMDb में इसकी रैंकिंग 8.2/10 है और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 270 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी के बारे में हम जानते हैं, इस मूवी में एक रेसर होते हैं, एक लड़के होते हैं जो शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, उनको बीच में ओलंपिक के लिए इंडिया के लिए खेलते हैं और बीच में उनको पाकिस्तान जाना पड़ता है रेस के लिए, और उस रेस में वो जीतते हैं और वहीं पे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उनको फ्लाइंग सिख का नाम देते हैं। तो ये मूवी बहुत अच्छी है और आपको जरूर देखनी चाहिए। तीसरी मूवी जो है जिसके बारे में आपसे बताना चाह रहे हैं वो है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये मूवी मेरी बहुत पसंदीदा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था गैब्रियल मुचिनो ने। ईयर था इसका 2006। इस मूवी के बारे में कुछ अलग चीजें हैं। इस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिल चुका है। विल स्मिथ को लीडरशिप के लिए अवार्ड मिला था। इस मूवी में IMDb ने इसको 8 पॉइंट दिए थे, 8 की रैंकिंग की थी इस मूवी में, और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 307 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी। इस मूवी की कहानी शुरू होती है विल स्मिथ के साथ में, जो अपने बेटे के साथ में फॉरेन में रहते हैं और वो एक स्कैनर बेचा करते थे। स्कैनर बेचने के साथ में उनकी कमाई ज़्यादा नहीं होती थी, महीने में 2 स्कैनर बेचते थे, तो कमाई ज़्यादा ना होने के कारण वो एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म से मिलते हैं। उस फर्म में वो काम करना शुरू करते हैं। उस फर्म का कंडीशन ये रहता है कि आपको 6 महीने काम करने के बाद ही आपको फिक्स पेरोल पे रखा जाएगा। अब इनकी 6 महीने की जो जर्नी है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। पैसे की कमी के कारण ये बीच में मेट्रो के वॉशरूम में रुकते हैं क्योंकि उनको अपने बेटे का फ्यूचर बनाना पड़ता है। ये मूवी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, आपको इस मूवी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा, आपको ये मूवी बहुत अच्छी भी लगेगी। चौथी मूवी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो लाइफ ऑफ पाई। इस मूवी को डायरेक्ट एंग ली ने किया था। इस मूवी का डायरेक्शन 2012 में हुआ था और इसकी कहानी जो है वो एक पाई पीटर के नाम के शख्स से ताल्लुक रखती है, जो कि एक जू के साथ में शिप से जाते हैं सी में। सी में जाने के बाद में उनकी शिप जो होती है वो क्रैश कर जाती है और एक छोटी सी बोट में 2 लोग बचते हैं। जो 2 लोग बचते हैं उसमें एक पाई रहते हैं और एक बंगाल टाइगर रहता है। इनकी मूवी में आपको इन्हीं दोनों की स्ट्रगल दिखाया जाएगा। इस स्ट्रगल में आप देखेंगे कि कैसे एक शिप पे एक जानवर एक इंसान कैसे रहते हैं। इनकी स्टोरी भी बहुत इंस्पिरेशनल है, आप जरूर देखिएगा। इस मूवी को IMDb ने 7.9 मार्क्स दिए थे 10 में से और इस मूवी ने ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की थी। तो ये थी 4 मूवी। नेक्स्ट मूवी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मांझी का माउंटेन मैन। इस मूवी का डायरेक्टर केतान मेहता ने किया था। ईयर इसका 2015 था। इस मूवी में एक आदमी के बारे में बताया गया था जो थे जीतन मांझी, और ये रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट है। जीतन मांझी एक गांव में रहते थे, उस गांव में उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है और गांव से अस्पताल तक का जो रास्ता था वो बहुत ही अजीब था। उसके लिए उनको एक राउंड सर्कल लगाना पड़ता है क्योंकि बीच में पहाड़ था। जीतन मांझी की वाइफ की डेथ के बाद में जीतन मांझी जुट जाते हैं उस पहाड़ को काटने के लिए।
ये बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है, आप इससे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इस मूवी को IMDb ने 7.9 मार्क्स दिए थे 10 में से, और इस मूवी ने ओवरऑल 18 करोड़ रुपीज की अर्निंग की। छठी मूवी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है 127, जिसको डैनी बॉयल ने ईयर 2010 में निर्देशित किया था। ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। एलन रेल्सन जो कि एक माउंटेन क्लाइंबर है, उनके ऊपर ये कहानी बनी हुई। एलन जो थे वो एक माउंटेन क्लाइंब करते वक्त उनका पैर स्लिप हो जाने के कारण एक गड्ढे में गिर जाते हैं, और वहां पे उस गड्ढे में गिरने के बाद में एक बड़ा सा पत्थर उनके हाथ में फंस जाता है, और उनकी वो 127 आवर्स की जर्नी दिखाई गई है कि वो उस कंडीशन में कैसे सोचते हुए अपने आप को बाहर निकालते हैं। इस मूवी को IMDb ने 7.5 आउट ऑफ 10 की रैंकिंग दी थी, और इस मूवी ने ओवरऑल $60.7 मिलियन की अर्निंग की थी। ये मूवी बहुत इंस्पिरेशनल है और आपको ये बताती है कि कैसे भी परिस्थिति हो, आप कहीं भी रहें, आप कोई भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट मूवी और आखिरी मूवी जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है रॉकी। रॉकी मूवी को 1976 में डायरेक्ट किया गया था, और इसको डायरेक्ट करने वाले जॉन जी थे, उन्होंने 1976 में इस मूवी को डायरेक्ट किया था। ये मूवी की कहानी एक किरदार है रॉकी उस पर निर्धारित है, जो कि लोकल रिंग बॉक्सर थे और पार्ट टाइम में अपने बॉस के जो भी पैसे उनसे लेते उनके लिए वसूली करते थे। होता ही उनकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आती है कि वो उस रिंग क्लब से निकाल दिए जाते हैं, और वो फाइट करते हैं वर्ल्ड चैंपियन से, और इस फाइट को करने के लिए उनकी स्ट्रगल दिखाई गई कि कितनी मेहनत करते हैं और किस मुकाम से कहां तक पहुंचते हैं। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $223 मिलियन की अर्निंग की थी, और रॉकी की सीरीज भी बहुत अच्छी है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो ये पूरी 7 मूवीज की डिटेल मैंने आपसे शेयर करी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपकी अगर कोई फेवरेट मूवी है जो इंस्पायर आपको करती है और आप चाहते हैं वो लोगों को भी पता चले, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन जरूर करिएगा। उम्मीद है इसके साथ में आप भी अपनी लाइफ को इंस्पायर करते रहेंगे और दूसरों को भी इंस्पायर करते रहेंगे। तब तक के लिए मोटिवेशनल ड्रीम्स की तरफ से मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।